तो क्या हाल है दोस्तों, आज फिर मैं एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। मैं जा रहा हूँ आज फ्राइडे था तो सोचा मैंने तो हेयर कट और बियर कट दोनों का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। फ्राइडे जनरली मॉर्निंग में मिल जाता है, इवनिंग में नहीं मिलता। हाँ तो यहाँ इंडिया ऐसा नहीं है कि आप जाओ और वहाँ पे तुरंत जाकर हेयर कट या बियर करा लो, यहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और फिर आप जाकर करा सकते हो। तो आज मैंने सोचा आज करा लेते हैं हेयर कट और बियर कट। और ये सोना तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आप डायरेक्टली कहीं भी विज़िट नहीं कर सकते। और हेयर कट तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, जनरली मैं कंपेयर करता नहीं हूँ, मैं बताऊँगा आपको कितना कॉस्ट आया और हेयर कट एंड बियर्ड। थोड़ा सा ठंड लग रही, मैं जैकेट लेना भूल गया, मुझे लगा था थोड़ा सा वार्म होगा वेदर, बट हवा की वजह से थोड़ी ठंडक है। तो मिलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है हेयर कट और बताता हूँ आपको कितना कॉस्ट हुआ एंड इन इंडियन रुपीज़। मैं जनरली इंडिया में 150 रुपये 150 रुपीज़ में दोनों चीज़ें हो जाती थी, ऑलमोस्ट 200 में हो जाता था। ये शॉप है, यहाँ पर मैं हेयर कट कराऊँ। तो हेयर कट हो चुका है और लुक सेटिस्फैक्ट्री जैसे ही लग रहा। इट कॉस्ट मी अराउंड 25 यूरो 25 यूरो, ये मिनिमम कॉस्ट है, इससे ज़्यादा भी होता है और जगह लाइक 35-40 अप टू द हेयर ड्रेसर, बट हाँ ऐसा है। और आप बताओ आपके कंट्री में कैसा है हेयर कट। इंडिया में तो मैं 150 रुपये में भी करा लेता था हेयर कट, एंड यहाँ पे मुझे कॉस्ट पड़ी है, अगर कन्वर्ट करें, वैसे मैं करता नहीं हूँ, अगर कन्वर्ट करें तो अराउंड 2000 रुपये, विच इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल इन इंडिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट मिली ब्लॉग में। थैंक यू, सब सकले, बाय बाय, सी यू।